इस वजह से ही लोग इधर से जो है ना मूव कर जाते हैं। कितने बच्चे ने तोड़े? छः बच्चे ने। अच्छा, एक खावन ने तोड़े? अच्छा, तो इन्हों पढ़ाना नहीं? पढ़ा भी के इन्हों पाली के पढ़ा भी रोजी जना सर को मिला जो यहाँ पे रहते हैं, तो इनसे बात करते हैं कि पानी के बगैर ये यहाँ पर कैसे गुजारा कर रहे हैं, क्योंकि अब गर्मी भी आ चुकी है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है इधर। अच्छा, की नाम है? खालिद। अच्छा, इतनी कि देर रह दो तीन महीने? अच्छा, तो हूँ तो गर्मी आ गई, फिर गर्मी गर्मी तो आ गई एक घर ये है, जैसे मैंने आपको दिखाया कि एक घर वो था और एक घर जो है ना ये बैठे हुए यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। तो वैसे गर्मी आ रही है, मुश्किल होगी। और बाबा जी तुसी ठीक रहते हो? ठीक चलो माशा। अच्छा गाइस, ये इनका टोबा है जहाँ पे ये पानी स्टोर करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये ऑलमोस्ट कहना खुश्क हो चुका है क्योंकि बारिश नहीं हुई साथ, तो अभी ये लोग यहाँ से गुजारा कर रहे हैं। देखें इधर भी है, अभी ये देख सकते हैं कि नीचे से भी इसकी जो है ना तला नज़र आ रहा होगा। तो फिर बारिशें हों तो ये वहाँ तक फुल हो जाता है, ये इस पॉइंट तक, तो सारा साल तकरीबन यही पानी चलता है। और एक जो है वो दूसरी तरफ है। अच्छा, इसके इतराफ़ ये लोग रहते हैं, इधर भी काफ़ी आबादी है, 10-15 घर है। और इस तरफ भी काफ़ी जो है घर, मैं आपको दिखाता हूँ उसका। और एक जो है वाटर पॉइंट इस तरफ है, मैं आपको दिखाता हूँ वो भी। देखें एक ये वाटर पॉइंट, ये भी सूख चुका है, इसीलिए ये लोग यहाँ से मूव कर जाते हैं जब पानी ख़त्म हो जाता है। देखें ये भी खाली हो गया, सूख गया, इसमें अब कुछ नहीं रहा। ये मिड डेजर्ट में आबादी से तकरीबन 50-60 किलोमीटर चोलिस्तान में जनूब की तरफ, पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर के इंतहाई नज़दीक है। देखें इसलिए यहाँ पे ये मोर्चे भी बने हुए हैं, ये मोर्चे यहाँ पर ये खाली हो गया, बहुत दूर दूर तक आबादी भी नहीं है। कभी जाता हूँ इधर, यहाँ पर मोर्चे हैं क्योंकि बॉर्डर नज़दीक है। इधर भी नहीं है कुछ। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं, और देखें कि कितना नीचे है, कम से कम 20-25 फुट जो है ना पानी इसमें होता है जब बारिश होती है। और इधर आप देखें कुछ भी आपको जो है ना नज़र नहीं आएगा। बस ये 3 घर हैं, 3 से 4
लेकिन वो भी खाली है, सब जा चुके हैं क्योंकि पानी नहीं है। पानी पे निसार होता है इधर, जब पानी ना हो तो फिर ये लोग मूव कर जाते हैं किसी दूसरी जगह पर। और इधर आप देख सकते हैं कि सारा डेल कोई आपको आबादी या इस तरह नज़र नहीं आएगी कोई भी चीज़। जो ये वाला है ये वाइल्ड लाइफ वाले होते हैं, और इस तरफ आप देख सकते हैं कि सारा डेजर्ट है। ये लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेहमान वहाँ है, इन्होंने चाय पाई रखी इधर, और अभी ये चाय बना रहे हैं तो फिर खालिस दूध की चाय पीते हैं और आपको भी दिखाते हैं। खालिस दूध की चाय। गाइस देखा आपने कि कैसे ये लोग यहाँ पर इतनी गर्मी में सर्वाइव कर रहे हैं। देखें कोई ज़्यादा दरख्त भी नहीं है इधर तो भी यहाँ, लेकिन मेहमान नवाज़ है।